Hello students, how are you all? I hope you all are well at your home. Today we are going to learn GK of class 2 and today's topics are We Love Birds and Places of Worship. Dear students, open your book and let's start. Dear students, open your book. Page number 19 and the topic is We Love Birds. Please listen carefully. Identify these birds by writing the correct letters in the boxes. Choose your answer from the help box. यानी यहाँ पर आपको कुछ birds की picture दिखाई दे रही होंगी. उन birds को आपको क्या करना है? Identify करना है और उनके सही नाम का जो letter है वो उस box में लिखना है. यहाँ पर आपको help box दिया गया है. इस help box की help से आपको pictures के सही नाम लिखने हैं. Did you know that Among all the living birds, ostrich are the largest. यानी क्या आपको पता है जितनी भी living birds हैं उनमें से जो ostrich bird है वो क्या है? वो largest bird है. They also lay the largest egg. और वो क्या है? उसका egg भी बहुत बड़ा होता है. And ostrich cannot fly but can run very fast. जो ostrich है वो fly नहीं कर सकती है but वो बहुत तेज run कर सकती है. Now start the exercise work. यहाँ पर आपको पिक्चर्स दे रखी है. पिक्चर्स के नीचे बॉक्स है और यहाँ पर आपको इनके लेटर्स लिखने हैं कि ये पिक्चर्स कौन सी है. सी द फर्स्ट पिक्चर. फर्स्ट पिक्चर इज वल्चर. ये एक वल्चर है और वल्चर क्या करता है? डेड एनिमल्स को खाता है. यानी जैसे कोई शिकार करता है, कोई शेर या कोई भी एनिमल किसी दूसरे एनिमल का शिकार करते हैं तो वो उसके अपने शिकार को कंप्लीटली नहीं खाते हैं. उनको क्या करते हैं? आधा मांस उनका छोड़ देते हैं. तो वल्चर क्या करता है? वल्चर उन डेड एनिमल्स को खाता है. तो यहां पर कौन सा लेटर लिखेंगे आप? जी. यहां पर जी लिखेंगे क्योंकि वल्चर जी लेटर पे है. सेकंड पिक्चर जो है वो ऑस्ट्रिच की है. ऑस्ट्रिच इज लार्जेस्ट बर्ड है और इसका एग भी जो होता है वो बहुत बड़ा होता है और ये सब बर्ड्स में लार्जेस्ट बर्ड है. तो ऑस्ट्रिच का कौन सा लेटर है यहां पर? ऑस्ट्रिच का डी लेटर है. तो आप यहाँ पे लिखेंगे डी. थर्ड पिक्चर जो है वो है पेलिकन की. पेलिकन एक बर्ड है. यहां पर आप लिखेंगे आई. फोर्थ पिक्चर जो है वो है स्पैरो. स्पैरो का लेटर है एच. तो यहां पर आप लिखेंगे एच. दिस इज पिक्चर ऑफ टर्की. इस बर्ड को बोला जाता है टर्की. तो टर्की बी लेटर पे है तो यहां पर आप लिखेंगे बी. नेक्स्ट पिक्चर इज व्हाइट कीवी. यहां पर आप लिखेंगे एफ. ये पिक्चर है व्हाइट कीवी की. ये तो सभी को पता है ये कौन सी बर्ड है. दिस इज पेंगुइन. ये कौन सी बर्ड है? पेंगुइन. तो पेंगुइन फर्स्ट लेटर पे है, ए पे है. तो आप यहां पे लिखेंगे ए. ये कौन सी बर्ड है? ये है वुड पिकर. वुड पिकर क्या करती है? जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं, ट्री होती है, उनकी जो ट्रंक होती है यानी उनकी जो शाखा तना होता है मोटा, वो वहां पर क्या करता है? वहां पर अपनी घर बनाती है. तो ये कौन सी बर्ड हुई? वुड पिकर. द लास्ट पिक्चर इज, ये जो लास्ट पिक्चर है ये कौन सी है? किंगफिशर. किंगफिशर क्या करती है? पानी में जो मछलियां होती हैं उनको अपना भोजन बनाती है यानी एज अ फूड उन छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को लेती है. तो किंगफिशर ब्लू कलर की होती है, उसमें लाइट स्काई ब्लू कलर होता है. तो ये कौन सी पिक्चर हुई? किंगफिशर. डियर स्टूडेंट्स, ये आपको ऐसे ही बुक में फिल करना है. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज प्लेसेस ऑफ वर्शिप. पेज नंबर 20. लिसन केयरफुली. Look at these pictures of the places of worship and circle their names in the word grid. One has been done for you. यहाँ पर आपको कुछ worship places के बारे में बताया गया है. मतलब जहां पर हम पूजा करते हैं, God से pray करते हैं, वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे. और यहाँ पर आपको एक box दिया है, उसमें letters है, उनमें क्या करना है आपको? जो ये वर्शिप प्लेस है इनके नाम यहां पर सर्कल करने हैं. फर्स्ट आपको करके दे रखा है जैसे फायर
टेम्पल, फर्स्ट इज फायर टेम्पल, तो यहां पर आपको ये सर्कल करके दे रखा है. नेक्स्ट इज गुरुद्वारा, गुरुद्वारा देखो यहाँ लास्ट में है, GURDWARA, तो यहां पर आपको गुरुद्वारा पे सर्कल करना है. टेम्पल, टेम्पल ये है यहां पर, यहां पर आपको इसको सर्कल करना है. चर्च, CHURCH, तो चर्च पे आप क्या करेंगे, सर्कल कर देंगे. एंड द लास्ट इज मॉस्क्यू, मॉस्क्यू पे आप क्या करेंगे, यहां पर सर्कल कर देंगे. MOSQUE, प्लेसेस ऑफ वर्शिप का मतलब है जहां पर हम गॉड से प्रे करते हैं. जो इंडियंस हैं वो कहां पर करते हैं, टेम्पल में. जो सिख होते हैं वो गुरुद्वारा में. जो क्रिश्चियन होते हैं चर्च में. जो मुस्लिम होते हैं वो मॉस्क्यू में. और फायर टेम्पल फर्स्ट. डू यू थिंक वन मस्ट ऑलवेज गो टू द टू अ प्लेस ऑफ वर्शिप टू प्रे टू गॉड, क्या आप जानते हैं मतलब हम हमेशा गॉड से प्रे करने के लिए कहां जाते हैं, प्लेस ऑफ वर्शिप में, जहां पर उनका पूजा करने का प्लेस होता है, जहां पर हम उनको क्या करते हैं, उनसे प्रे करते हैं. और फिर क्या करते हैं, मीन्स जैसे हम किसी अच्छे काम के लिए जाते हैं तो हम सबसे पहले किसको याद करते हैं, भगवान को याद करते हैं कि प्लीज गॉड हमारा वो काम अच्छा हो जाए. तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप, सबके घर में मंदिर है, तो आपके घर में जो प्लेस है वो कौन सा है, आपके घर का मंदिर. डियर स्टूडेंट्स, ये आपको बुक में ऐसे ही फील करना है और साथ में इसको लर्न भी करना है. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे.